2024 का लोकसभा चुनाव देश के सामने है और इसी बीच मोदी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती आती दिखाई दे रही है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अगले 3 महीने में देश भर में महापंचायतें आयोजित की जाएंगी और उसके बाद फरवरी में किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। संगठन ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अलग अलग मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई है। संगठन ने एक बयान में कहा, बैठक में सरकार की किसान विरोधी नीतियों और किसानों की मांग के बारे में जागरूक करने के लिए अगले 3 महीनों में देश भर में 20 पंचायतें आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद 26 फरवरी 2024 को दिल्ली कूच करने का फैसला लिया गया है। किसानों की 8 मुख्य मांगे हैं, जिनमें MSP पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून, कर्ज माफी, बिजली का निजीकरण रोकना और 60 साल से ज्यादा की उम्र के किसानों को पेंशन देना शामिल है। बयान के अनुसार बैठक में सभी संगठनों ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के लिए जानबूझकर किसानों को जिम्मेदार ठहराने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया है।